हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये मंदिर है, ये मंदिर है आरीमाला मंदिर। और ये मंदिर कोवलम के पास एक जगह है विरिंजम, वहाँ पे स्थित है। शिवा मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर, शिवा टेम्पल, इसका नाम है आरीमाला शिवा टेम्पल। तो ये जो मंदिर है ये फेमस है यहाँ पे जो 58 फीट की मूर्ति है शिव जी की, उसके लिए जिसकी जो कि जो मूर्ति है उसमें शिव जी जो हैं वो गंगाधरेश्वर अवतार में, और उनकी जटाओं में आप माँ गंगा को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो मंदिर है साउथ में जो मंदिर होते हैं केरला में या कहीं पे भी साउथ में तमिलनाडु, काफ़ी रिच होते हैं देवी देवता पूरे मंदिर में बने होते हैं, और मतलब बहुत सुंदर बहुत रिच ये टेम्पल्स होते हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए ये काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इस वक्त यहाँ पे आरती हो रही है और मैं यहाँ पे आरती के वक्त पहुँची, तो ये इस टेम्पल की खासियत है। और आगे आगे हम इस टेम्पल को करते हैं एक्सप्लोर, तो आप देखते रहिए आरीमाला टेम्पल गाइड ब्लॉग। इन्होंने बनवाया है। अच्छा, ओके, देवदत्तन, डॉक्टर देवदत्तन। अच्छा, इन्होंने बनवाया है। अच्छा, ही गेव मनी फॉर दिस? नो मनी, ही सेड मेकिंग डिजाइनर, डिजाइनर। ओह, डिजाइन डिजाइन, काइंड ऑफ आर्किटेक्ट। अच्छा, ए लोकल बॉय हियर। अच्छा, लोकल है, ओके। अभी अंदर क्या चल रहा है? इस पूजा टाइम है ना? अच्छा, पूजा टाइम है। अच्छा, where are these cars going? Parking? Yes, parking. Parking. Okay. 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 पूरा बीच है। हाँ हाँ, बीच आ गया नीचे। प्रॉब्लम त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट के पूरा बीच साइड है। और यहाँ पे मैंने मंदिर के अंदर एंटर कर लिया है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में मूर्ति है हमारे भोले बाबा की, और जो राइट साइड है, राइट साइड में टेम्पल है, ये मंदिर है जहाँ पे कि फ़ोटोग्राफी मना है, वहाँ पे आप कैमरा नहीं जा सकते, वो स्ट्रिक्टली बताएं। सामने ये एक मंदिर है, तो ये जो लहरें हैं, ये जो समंदर है, उसके बगल में जो भोले बाबा की 58 फीट की जो ये मूर्ति है गंगाधरेश्वर अवतार की, ये इस जगह को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। तो मैं आपको बता दूँ, ये है तिरुवनंतपुरम के पास, तिरुवनंतपुरम जो कि केरला का कैपिटल है, उसके पास कोवलम, कोवलम के पास विरिंजम। और ये जो मूर्ति है, जैसा कि अभी आपने देखा जो ड्राइवर है उन्होंने बताया कि ये जो मूर्ति है ये यहीं के किसी लोकल जो है उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, उनका नाम है PS देवादत्त। तो उन्होंने ही मूर्ति को यहाँ पे डिज़ाइन किया, बनवाया, जो मतलब और चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता। जो सामने में वो मंदिर है, और ये मंदिर जो है साउथ के, मैं बता चुकी आपको, बहुत रिच होते हैं, बहुत बहुत इनमें पैसा लगा होता है इन मंदिरों में। तो यहाँ पे जो डिटेलिंग से, इतने डिटेलिंग से जो मैं इस मंदिर को दिखाने के पीछे, मेरा मकसद यही है कि आपको ये पता चले कि यहाँ के जो मंदिर हैं, मतलब जो ये इनके टेंपल्स हैं जिन्हें ये यहाँ पे देवास्थान कहते हैं साउथ में, तो ये बहुत रिच होते हैं। बाहर देख सकते हैं आप मूर्तियाँ जो हैं, राक्षस भी बने हुए हैं, गौ माता बनी है, अलग अलग सारे भगवान बने हैं। तो यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मंदिर ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इन पर खर्चा हुआ होता है। तो सामने आप देखिए अंदर जो मूर्ति है जो गंगाधरेश्वर में, आप माँ गंगा को देख सकते हैं। यही है आरीमाला टेम्पल आपके सामने।
हाँ जी, बीच फेसिंग वाला यही है ना, बीच फेसिंग। हाँ, बीच फेसिंग। और ये सफ़र ख़त्म होता है आर्यमाला टेम्पल का। और ये जो आपको रास्ता दिखाने का मकसद है, सॉरी, जो ये रास्ता आपको दिखा रही हूँ मैं, इसका मकसद बस यही है कि आप बस ये देखें वहाँ पे, वहाँ के रास्ते, वहाँ की थोड़ी बहुत आपको लोकेलिटी, सराउंडिंग्स पता चले। और ये मंदिर थोड़ा नीचे को है तो थोड़ी सी चढ़ाई लग रही है यहाँ पर, और लोग आए हुए हैं। और ये जो रास्ते हैं, ये यहाँ पर हर जगह पर बहुत बारिश है, बहुत बारिश, और बारिश आपको दिख भी रही हो शायद, तो बारिश की वजह से काफ़ी सारे प्लान्स भी ख़राब हुए। और यहाँ पे लुंगी तो आपको पता ही है, साउथ इंडिया में कॉमन है। बस यही सब है, मतलब ये जो आपको रूट दिखाने का मकसद है बस यही कि आपको वहाँ जगहों के बारे में पता लगे। मेन मेन जगहों के तो मैं ऑब्वियसली दिखा ही सकती हूँ कि ये मेन मेन जगह है, बट ये रास्ते, ये जगह वहाँ पे कैसे हैं घर, ये सब दिखाने का मकसद होता है मेरे व्लॉग्स में, डिटेलिंग में। तो शायद जो कि लोगों को इंटरेस्टिंग ना भी लगता हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स के थ्रू सब पता लगे उस जगह के बारे में, मतलब जितना हद तक मैं आपको उस जगह को दिखा पाऊँ, क्योंकि आप इसमें देख ही सकते हैं। वरना जानने के लिए तो हमें अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है तो उसके लिए तो हम गूगल कर ही सकते हैं, राइट। तो बस यही है कि आपको ये जगह दिखानी है, दैट्स इट। तो कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये ब्लॉग। और आर्यमाला टेम्पल, हमारे शिव जी की गंगाधरेश्वर मूर्ति देख के, उनके इस अवतार को देख के कैसा लगा। और हर हर महादेव। तो मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में। और यार, ब्लॉग को पूरा एंड तक देखा करो प्लीज़, ऐसे ही एक एक मिनट मत देखा करो, क्योंकि मैं बहुत सारे, हाँ ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ फ़नी चीज़ें मिस कर रही होती हैं, लेकिन आपको मैं उस जगह को बहुत डिटेलिंग में दिखाती हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।